नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश एंड फाउंड इंडिया की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ओप्पो का लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो A57 जो कि हाल ही में ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो हम करने जा रहे हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और बताएंगे कि इस फ़ोन के साथ आपको क्या क्या फीचर्स एंड बॉक्स के साथ क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्स के ऊपर कुछ हाईलाइट फीचर्स से। दोस्तों ओप्पो A57 का बॉक्स आपको कुछ इस तरह का मिलता है। बॉक्स के नीचे की ओर आपको ओप्पो A57 लिखा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के कॉर्नर पर आपको स्टोरेज मेंशन दिख जाएगा। बॉक्स के बैक साइड पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए मिल जाते हैं जिसमें बैटरी, चार्जर, डिस्प्ले के अलावा और भी कई फीचर्स के बारे में बताया गया है जिन्हें आप स्वयं पढ़ सकते हो। बॉक्स के इस साइड में आपको प्राइस मेंशन दिख जाएंगे जो कि 16,990 रुपये है, लेकिन मार्केट से आप इसे 14,000 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही थे बॉक्स के ऊपर मेंशन किए गए कुछ हाईलाइट फीचर्स जिन्हें हमने आपको बता दिया है। अब हम करने जा रहे हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। दोस्तों बॉक्स को हमने कर लिया है ओपन और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है एक ब्लैक बॉक्स जिसमें दोस्तों मिलता है आपको सिम इजेक्टेड टूल, यूज़र मैनुअल गाइड एंड एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जिसे आप फ़ोन की सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको मिलता है ब्रांड न्यू ओप्पो A57 डिवाइस। इसे हम रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स के अंदर। दोस्तों इसके बाद आपको मिलता है एक सुपर बूस्ट फास्ट चार्जर और इसके अलावा इसमें आपको मिलती है टाइप सी डाटा केबल। तो दोस्तों बस यही था बॉक्स के अंदर मिलने वाला इनबॉक्स आइटम जिसे हमने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फ़ोन की ओर, देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट इम्प्रेशन। दोस्तों फ़ोन के फर्स्ट इम्प्रेशन की बात कर तो यह फ़ोन देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव एंड प्रीमियम लगता है। दोस्तों फ़ोन के बैक पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है जो कि फ़ोन को काफ़ी बेहतर बनाता है। वेट एंड थिकनेस की बात करें तो यह फ़ोन 187 ग्राम एंड 7.9 mm की थिकनेस के साथ आता है जो कि अदर फ़ोन की तुलना में काफ़ी स्लिम एंड काफ़ी पतला है। और इसके अलावा यह वन हैंड से यूज़ करने में आपको काफ़ी बेहतर लुक भी देगा। अब दोस्तों फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर तो फ़ोन के रियर पर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आता है। इसके अलावा फ़ोन के फ्रेम की बात कर तो यह फ्रेम प्लास्टिक का बना है लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह कोई मेटल का बना है। दोस्तों बैक भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा लेकिन यह बैक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है जो कि फ़ोन के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बनाता है। अब दोस्तों फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात कर तो फ़ोन के बॉटम साइड पर आपको स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। राउंडेड शेप में आपको कॉर्नर देखने को मिलेंगे। इसके लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन एंड सिम ट्रे देखने को मिलती है। इसके टॉप पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है जबकि इसके राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है। इसके पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनबिल्ट किया गया है। फ़ोन के डिस्प्ले में टॉप पर आपको फ्रंट कैमरा एंड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की तो इस फ़ोन में आपको 6.56 इंच की HD+ IPS LCD स्क्रीन मिलती है जो कि 269 PPI के साथ आती है। IPS LCD स्क्रीन होने के कारण आपको नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे, ज़्यादा शार्प कलर देखने को नहीं मिलेंगे। HD रिजोल्यूशन है तो फ़ोन में पिक्चर क्वालिटी आपको एवरेज ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जगह अगर फुल HD रिजोल्यूशन होता तो फ़ोन और भी बेहतर हो जाता। इसके अलावा इस फ़ोन का जो व्यूइंग एंगल है वह आपको कुछ इस तरह का यानी कि ठीक ठाक सा देखने को मिलेगा। फ़ोन में आपको MediaTek का हीलियो G35 ऑक्टाकोर CPU मिल जाता है। इसी के साथ इसमें आपको PowerVR GE8320 GPU मिल जाता है। फ़ोन में Android 12 के साथ ColorOS 12.1 का वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। फ़ोन में आपको 4GB की रैम मिलती है। इसके अलावा फ़ोन में आप 4GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो यानी कि आप टोटल 8GB रैम इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ़ोन में आपको 64GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखते हैं इस फ़ोन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फ़ोन की सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जाकर आपको लाइट मोड एंड डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चुनकर उसे डिस्प्ले पर लगा सकते हैं। नीचे की ओर आपको आई कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा सबसे नीचे की ओर आपको वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपनी डिस्प्ले के लिए किसी भी वॉलपेपर को चुन सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग्स में ही आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए किसी भी लॉक को यहाँ से लगा सकते हो, फिर चाहे वे पैटर्न लॉक हो, फिंगरप्रिंट लॉक हो या फेस लॉक हो। फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ यह तुरंत ही अनलॉक हो जाता है, यानी कि इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अब दोस्तों फ़ोन के कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको फ़ोनपे, स्नैपचैट,
डेली हंट, इसके अलावा और भी कई सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको यहाँ मिल जाते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल की बात करते हो, इसमें आपको नियर बाई शेयर, आई कम्फर्ट, पर्सनल हॉटस्पॉट, टॉर्च, मोबाइल डाटा, इसके अलावा और भी कई सारे फीचर्स आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिल जाते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों फ़ोन के कैमरास की बात करें तो इसमें आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। डिटेलिंग एंड कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर आपको बेहतर दोनों ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हो पिक्चर्स में आपको शार्प कलर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जूमिंग करने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम पिक्चर्स के साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों कैमरे के मामले में यह फ़ोन डिसेंट है। इसके अलावा दोस्तों इसका हम एक अलग से कैमरा रिव्यू बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यह फ़ोन कैमरे के मामले में कैसा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों ओवरऑल कहें इस फ़ोन के बारे में तो यह फ़ोन 14,000 के प्राइस रेंज में थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। इसके अलावा दोस्तों इस फ़ोन में HD डिस्प्ले की जगह फुल HD डिस्प्ले होती और थोड़ा बेहतर CPU होता तो यह फ़ोन काफ़ी बेहतर बन जाता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।